वाह राजगुरु जी वाह, क्या कमाल की चाल चली है आपने। उसकी सफलता में हिस्सा भी बना लिया और उस रामलिंग को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अरे एक और बात तो आपने सुनी ही नहीं। अच्छा कौन सी बात? रामलिंग का आगे के लिए भी राज दरबार में घुसने का रास्ता बंद करवा दिया है। अरे वाह, पर वो कैसे? अरे सुनिए, रामलिंग के पीछे पीछे मैंने बाहर आकर दोनों प्रहरियों को अपने पास बुलाया और उसी अक्लमंद के सामने उन्हें महाराज की आज्ञा सुना दी और कह दिया कि आगे से रामलिंग की शक्ल पहचान लें और कभी भी उसे दरबार में अकेले ना घुसने दें। जब भी इसे अंदर आना होगा बस मेरे साथ ही आएगा। वाह राजगुरु जी वाह, क्या नकेल कसी है आपने। रक्षा मंत्री जी, मैं इस कमबख्त को ऐसा जकड़ कर रखूंगा कि विजयनगर में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा वो। हाँ, उसे भी तो मालूम पड़ेगा कि ताताचार्य राजगुरु तो हैं ही और उसके भी गुरु हैं और उनके पांव पड़ने में ही भलाई है। रक्षा मंत्री जी, अगर रामलिंग मेरे पांव पड़ने आया तो मैं उसे कहूंगा, अगर राज दरबार में घुसना है तो पूरे एक साल तक मेरे घर पर चाकरी करे, तब घुसने दूंगा उसे मैं राज दरबार में। हाँ चलिए, एक साल का सेवक तो मिलेगा आपको मुफ्त में, फिर चाहे घुस जाए राज दरबार में। अगर एक साल मेरे यहाँ काम कर गया तो सोचो राज दरबार से तो गया वो। सो कैसे राजगुरु जी? वो ऐसे रक्षा मंत्री जी कि इस एक साल में मैं उसकी इतनी उतारूंगा, इतनी उतार दूंगा कि मिट्टी पलीत हो जाएगी उसकी। हाँ मैं उसे गधा कहकर पुकारूंगा और सारे विजयनगर में उसे गधे के नाम से मशहूर कर दूंगा। रामलिंग गधा। राजगुरु जी, फिर तो हर कोई उसे गधा कहकर ही पुकारेगा। हाँ रक्षा मंत्री जी, और गधे घोड़ों को तो राज दरबार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ना। रामलिंग जी, आप आज्ञा कीजिए कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। मेरे बहुत से मित्र राजमहल में भी हैं और कई बड़े बड़े दरबारियों के कार्यालयों में भी। मुझे महाराज सहित सब दरबारियों की दिनचर्या का ब्यौरा चाहिए। कौन दरबारी कब कहाँ जाता है, आम तौर पर किस किस से मिलता है आदि। अब जो मैं सोच रहा हूँ वो सिर्फ राजगुरु के लिए नहीं बल्कि अपनी उस जानकारी के लिए भी है जो मुझे आने वाले समय में चाहिए होगी। अगर मेरी वो योजना जिसे मैं कार्यान्वित करने जा रहा हूँ असफल हो गई तो यानी जो आप अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं उसमें यदि आप असफल हो गए तो परिणाम बुरा भी हो सकता है। हाँ, राजा के निकट जल्द आने का प्रयत्न ऐसा ही होता है। अब इसमें जान भी जा सकती है। हाँ, राजाओं का साथ पाने का मूल्य है ये। हाँ, हर बड़े लाभ वाले सौदे में
बड़ी हानि भी शामिल होती है। अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? यहीं तो रखे थे, कहीं कोई जानवर तो नहीं उठा कर ले गया? पता नहीं कहाँ गए। नंगा राजगुरु नंगा। अरे कौन है ये बदतमीज? अभी खबर लेता हूँ तेरी। अरे आजा नंगे, खबर ले ले। अरे कौन हो तुम? नंगा। अरे भाई मेरे कपड़े दे दो। नंगा राजगुरु नंगा। अरे देखो भैया, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। नंगा राजगुरु नंगा। इस पर कुछ रोब मारना होगा, वरना वरना हो सकता है ये मस्खरा मेरे कपड़े लेकर 9-2-11 ही हो जाए। अरे आजा नंगे, खबर ले ले। अरे कौन है वहाँ? अरे तुम जानते नहीं हो तुमने किसके कपड़े चुराए हैं? हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे बेवकूफ, तू इसका बहुत भारी दंड पाएगा। हाँ जानता है मेरा कहा महाराज कितना मानते हैं। जानता हूँ जानता हूँ, विजयनगर में आपके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अरे बेवकूफ, ये जानते हुए भी तू मुझसे टकरा रहा है? अरे सीधे सीधे मेरे कपड़े रख दे और चला जा, नहीं तो क्या कर लेंगे, बिना कपड़ों के बाहर आ जाएंगे क्या? बिना कपड़ों के नगर में जाएंगे, जहाँ सैकड़ों नगरवासी आपको ऐसी हालत में देखेंगे। अरे कमबख्त तू है कौन? अभी यहाँ सुबह सुबह का अंधेरा ना होता तो तुझे तो मैं देख लेता हूँ। देख लेते तो क्या कर लेते? हाँ आप में शर्म तो है नहीं? अरे कमबख्त मानता ही नहीं। अरे है कौन ये? हाँ वो सामने ही तो है, अब कुछ दिख रहा है। अरे ये तो वही रामलिंग है। कमबख्त, अरे इसे प्यार से बुलाता हूँ। अरे रामलिंग, अरे रामलिंग, सुन बेटा सुन, अरे सुन तो, अरे मेरे कपड़े कहाँ है बेटा? ओह राजगुरु जी, अब तो आप मुझे पहचानने भी लगे हैं, आपको मेरा नाम भी याद आ गया। अरे बेटा मेरे कपड़े दे दे, दे दे बेटा मेरे कपड़े, बड़ी ठंड लग रही है। कपड़े? कैसे कपड़े? मैं तो आपके कपड़ों को जानता तक नहीं। अरे बेटा तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन लेकिन मेरे कपड़े दे दो बेटा। कपड़े तो मैं दे दूंगा, परंतु जो मैं कहूंगा वही करोगे तब। या खुदा, अब ये मुझसे क्या करवाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, कपड़े चाहिए या नहीं? हाँ हाँ चाहिए, कपड़े चाहिए। अरे तुम जो भी कहोगे वो करूँगा। तुम्हें मुझे अपने कंधे पर बिठा कर राजमहल के आंगन तक लेकर चलना होगा, बोलो मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, कपड़े तो दे दो। मगर एक शर्त है। अब कैसी शर्त? शर्त ये है कि सारे रास्ते तुम अपनी आंखें नीची करके चलोगे,
ना बाएं देखोगे ना दाएं देखोगे। मंजूर है। सोच लो, कोई चालाकी तो नहीं करोगे? अरे कैसी चालाकी रामलिंग, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं ब्रह्म की कसम खाता हूँ कि मैं ये काम पूरा करूंगा। हाँ अरे रामलिंग, तुम बड़े भारी हो, ना जाने किस तरह मैं तुम्हें राजमहल तक ले जाऊंगा। ले जाना तो पड़ेगा राजगुरु जी। अरे रामलिंग, अब बस हुआ, अब शहर आ गया है। देखो अरे सब मेरा उपहास कर रहे हैं। हाँ हाँ राजगुरु जी, बस थोड़ी दूर और। कैसा दृश्य है महारानी, देखिए तो, इतना बड़ा एक सेहत याफ्ता आदमी एक बूढ़े के कंधों पर चढ़ा बैठा है। हाँ, लगता है जैसे उसे आगे चलते रहने का हुक्म दे रहा हो। एक सेहत याफ्ता आदमी का एक बूढ़े आदमी के कंधे पर चढ़ बैठना तो बदतमीजी है। हाँ देखिए, बेचारे से चला भी नहीं जा रहा। और वो ऊपर चढ़ा आदमी कैसे खुश दिखाई दे रहा है। मगर वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति तो राजगुरु जैसा लगता है ना, देखिए तो सही। अरे हाँ, वो राजगुरु ही है ना। हाँ महाराज, अब साफ दिखाई दे रहा है। शर्म से उनका सिर झुका हुआ है और वो तो पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। बार बार अपने माथे से पसीने को पोंछ कर बेहाल हो रहे हैं बेचारे। उनकी ऐसी हालत बनाने वाला ये व्यक्ति कौन है महाराज? दरबान, दरबान। आदेश दे महाराज। जाओ नीचे आंगन में जाओ, वहाँ एक आदमी दूसरे आदमी के कंधे पर चढ़ा है। तुम ऊपर चढ़े आदमी को नीचे गिरा दो और उसकी अच्छी तरह पिटाई करो। लगता है महाराज ने हमें देख लिया है और कोई आदेश भी दिया है। जो व्यक्ति उसे उठाए हुए है उसे मेरे पास ले आओ। जाओ जल्दी से जाओ। जी महाराज। राजगुरु जी, मैं मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हूँ। मैंने आप जैसे महापुरुष के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया। अच्छा अब रहने दो अपना स्वांग और मुझे जाने दो यहाँ से। जाने दूँ? ऐसे कैसे जाने दूँ? पहले आपको अपने कंधों पर उठाकर आपके घर पर पहुँचाऊंगा। अरे हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले चलोगे तो अच्छा ही होगा। तो आइए मेरे कंधों पर बैठ जाइए। राजगुरु जी, आपकी सेहत बहुत ही अच्छी है, बहुत भारी है आप। महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक हम इन्हें ले आए हैं। इसे यहाँ क्यों ले आए? मैंने तो तुम्हें इसकी पिटाई करने का आदेश दिया था। महाराज, आपका हुक्म था कि कंधे पर चढ़े हुए आदमी की पिटाई की जाए और उठाने वाले आदमी को आपके सामने हाजिर किया जाए। हमने आपके हुक्म की तामील की है महाराज। ओह,
तो तुमने दूसरे आदमी की पिटाई करके नाश कर दिया। अरे मूर्खो, जाओ उसे आदर से उसके घर पहुंचा दो। जी महाराज। ओ, ये व्यक्ति कितना चालाक है। हमें लगता है हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। जी महाराज, मैं वही हूँ जिसने इनाम के रूप में आपसे थाली भर अशर्फियां पाई थी। ओह, तभी तुमने मेरे आदेश का पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा। क्या तुमने मुझे दरबान को आदेश देते हुए देखा था? जी महाराज। तुमने फौरन खामिद से काम लेते हुए राजगुरु को अपने कंधों पर बिठा लिया, उन्हें घूंसे लात भी खिलवाई। इतनी बड़ी गुस्ताखी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब तुम्हें क्षमा मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे इस अपराध का यही दंड है कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। महाराज, मुझे माफ करें, मैं आपसे पूरी बात कहना चाहता हूं। अब कहने को बाकी रहा ही क्या है? हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। महाराज, जरा इधर तो आइए। हाँ, अब बोलिए महारानी। देखिए आपने इस व्यक्ति की अकलमंदी। इसे न केवल ये मालूम था कि आप इसे राजगुरु के कंधे पर चढ़ा देख सजा देंगे, बल्कि ये भी पता था कि फौरन आप अपने सेवकों को ये कहकर भेजेंगे कि जो भी व्यक्ति दूसरे के कंधे पर चढ़कर बैठा है उसकी पिटाई की जाए, और दूसरे व्यक्ति को आपके सामने पेश करने का हुक्म भी देंगे। हाँ, ये तो है। और उस पर इसे ये भी मालूम था कि ये आपको अपनी बात सुना भी सकेगा और विश्वास भी दिला सकेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है तो समझदार। हाँ महाराज, ये व्यक्ति बहुत अक्लमंद और बेखौफ है। मेरी सलाह है महाराज, आप उसकी पूरी बात जरूर सुने और उसके बाद ही कोई फैसला करें। हाँ ठीक है। तो क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, जो महारानी ने कहा है वही सच है। क्या तुम्हें क्या मालूम मैंने क्या कहा? महाराज, महारानी आपसे मेरी तारीफ कर रही थी। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? महाराज, अकलमंद पत्नियां अपने पतियों को बात के बीच में तभी बुलाती हैं जब वो असहमत होती हैं। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। अकलमंद महारानियां पतियों से असहमत। तो इसका मतलब हुआ कि उनके पति मूर्ख होते हैं। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? महाराज, मेरा मतलब ये था कि अक्लमंद पत्नियों के पति अपनी पत्नियों से भी अधिक अक्लमंद होते हैं। ये तुमने कब कहा? महाराज, आप तो जानते हैं कि एक अच्छी और दरियाब चीज को ढूंढने के लिए कितनी अक्लमंदी की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। अक्लमंद आदमी ही अच्छी चीज परख सकता है। फिर आप ही सोचिए महाराज कि अक्लमंद औरत को ढूंढना कितनी अक्लमंदी का काम है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ, तुम सचमुच अक्लमंद हो। कल से तुम दरबार में आ जाना। महाराज, किस औहदे पर? विदूषक। आज से तुम राज विदूषक हो। तुम्हारा नाम क्या है? तेनाली। नहीं महाराज, मेरा नाम रामलिंग है। तेनाली तो मेरे गांव का नाम है। नहीं, जो हमने कह दिया कह दिया। आज से तुम्हारा नाम तेनाली राम हुआ। जैसी महाराज की ख्वाहिश। लेकिन महाराज, एक बात याद रखिएगा। क्या? यही कि ये नाम आपका दिया हुआ है। आप तेनाली राम के वालिद हैं। बहुत खूब तेनाली राम, बहुत खूब।
मेरा ख्याल है तुम बहुत दूर तक जाओगे। महाराज की जय हो। Dimata, dimata, dimata.